नेचुरल स्टार नानी की पैन इंडिया फिल्म दसरा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इस एक्शन फिल्म में नानी और कृति सुरेश का शानदार परफॉर्मेंस लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर नानी को एक ऐसा टैग मिला हुआ है जो साउथ इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। नानी को उनके फैंस नेचुरल स्टार कहते हैं। ये टैग उन्हें फिल्म में अपने हर रोल को अच्छे से निभाने के लिए मिला। नानी हर फिल्म में हर तरह के किरदार को इतने अच्छे से निभाते हैं कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि हम फिल्म नहीं बल्कि असली घटना को सामने से देख रहे हैं। नेचुरल स्टार नानी ने अपने कैरियर में कई सारे बेहतरीन फिल्में दी हैं। अगर आप भी नानी के फैन हैं तो क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम क्या है? साउथ हो या बॉलीवुड सिनेमा प्रेमी उन्हें नानी कहकर ही बुलाते हैं। अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों में छा चुके नानी के बारे में क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ सफल फिल्म एक्टर ही नहीं बल्कि सफल प्रोड्यूसर और टीवी प्रेजेंटेटर भी हैं। नानी का असली नाम घंटा नवीन बाबू है, जिनको लोग नेचुरल स्टार के नाम से भी पुकारते हैं। श्याम सिंगर रॉय और जर्सी के एक्टर नानी शुरुआत में एक्टर नहीं बनना चाहते थे। मणिरत्नम की फिल्मों से प्रभावित होकर उन्हें डायरेक्टर बनना था। नानी का जन्म 24 फरवरी 1984 को हैदराबाद में हुआ। अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई उन्होंने हैदराबाद से ही की। इसके बाद उन्होंने वैसले कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। फैंस ये जानने के लिए बेताब रहते हैं आखिर कैसे उन्हें नानी नाम मिला। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने बताया था, तेलुगु में छोटे और प्यारे बच्चों को नानी कहकर पुकारा जाता है। बचपन में उन्हें प्यार से इसी नाम से पुकारे जाने लगा और वो हमेशा के लिए अपने फैंस के नानी हो गए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे अब अपना ये नाम इतना प्यारा हो गया है कि कोई मुझे असली नाम से पुकारता है तो मैं पलट कर नहीं देखता। नानी अपने कैरियर की शुरुआत डायरेक्टर बनकर करना चाहते थे और उन्होंने उसी दिशा में काम भी शुरू कर दिया। नानी ने अपने दूर के रिश्तेदार के मदद से फिल्मी दुनिया में एंट्री पाई। फिल्म राधा गोपालम में क्लैप डायरेक्टर के रूप में काम किया। इसके बाद नानी ने फिल्म धीर अस्त्रम की फिल्मों की स्क्रिप्ट पर भी काम किया। वो ये काम कर ही रहे थे कि तभी उनके एक दोस्त ने रेडियो वर्ल्ड स्पेस इन इंडिया में आरजे की जॉब ऑफर की। नानी ने ये ऑफर स्वीकार किया और एक साल तक नॉनस्टॉप नानी नाम से शो भी होस्ट किया। आरजे होने के साथ साथ उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में भी काम किया। एक विज्ञापन के दौरान उन्हें डायरेक्टर मोहन कृष्णा इंदिरागी ने नोटिस किया। उन्होंने एक्टर को अपनी फिल्म अष्टचम्मा में लीड रोल के लिए ऑफर किया। इस मूवी में नानी के किरदार को पसंद किया गया और लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने खूब पसंद किया। फिल्म में उनका इमोशन, बॉडी लैंग्वेज, डांस सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था और यहीं से उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई।